हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। आज हम बनाने जा रहे हैं बरसातों का स्पेशल स्नैक्स, बोले तो नाश्ता, जिसको हम बोलते हैं प्याज के पकौड़े, और कई लोग इसको प्याजी भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, और सर्दियों का मौसम हो, बरसातों का मौसम हो, चाय के साथ ये गर्मा गर्म मिल जाए तो कहने ही क्या। तो इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं प्याज के पकौड़े, जिसको हम एकदम फटाफट तरीके से बनाएंगे और ये एकदम चटपटे बनते हैं। अगर आपने महाराष्ट्र स्टाइल के प्याज पकौड़े नहीं देखे हैं, जिसको कांदा भजिया बोलते हैं, वो जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, नहीं तो इसका थंबनेल यहाँ पे आ रहा होगा, साथ में ऊपर कार्ड भी आ रहा होगा, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और बरसात आते ही मेरे चैनल में कमेंटों की भार लग जाती है कि कोई पकौड़ों की रेसिपी दी जाए। तो इसलिए मैं दूसरे स्टाइल के पकौड़े लेकर आया हूँ, जिसको हम प्याज के पकौड़े में बोलते हैं। ये है नॉर्थ स्टाइल, बोले तो पंजाबी और दिल्ली साइड के लोग इसको इस तरह से ही बनाते हैं। कांदा पकौड़ा में, बोले तो प्याज के पकौड़ों में इसमें थोड़ा सा पानी डालता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने लिया है प्याज, ये है 3 मीडियम साइज की प्याज। इतनी बड़ी जो प्याज थी हमने इसको बारीक काट लिया, बोले तो हमने इसको रफली चॉप कर लिया है, और उन प्याजों को हम एक बड़े से बोल में डाल लेंगे। फिर उसके ऊपर से इस प्याज में हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम मसाले पहले इसलिए डाल रहे हैं जैसे सारे मसाले इस प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जितना भी इसका जो पानी होगा प्याज का वो भी इसी टाइम रिलीज हो जाएगा। बट हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर जाता है। सूखा धनिया पिसा हुआ ये हमने लिया है 1.5 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, इससे हमारे पकौड़े में मस्त स्वाद आ जाएगा और एकदम पकौड़े जो है करारे करारे बनेंगे। हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, सौंठ 1/2 छोटी चम्मच, और इसमें जाएगा चाट मसाला, ये हमने लिया है 1 चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ी सी हींग और खटाई डालकर इसके स्वाद को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया फ्रेश की चॉप, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारे प्याज के पकौड़ों में। अब हमने सारे सूखे मसाले प्याज में डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं 1 चम्मच की मदद से। अब हमने प्याज को और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसको मिक्स करने के बाद, एकदम उम्दा टेस्ट आएगा ये गारंटी है। और एकदम ये पकौड़े जो है एकदम चटपटे बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर चाट मसाला डाला होता है, लाल मिर्च डली होती है, अगर आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसन को ऐड करेंगे, और बेसन हम ऐड कर रहे हैं 8 चम्मच, ये हमने बेसन ऐड कर दिया, और ऊपर से हम डालेंगे सोडा, खाने वाला सोडा, ये हम ऐड कर रहे हैं 2 से 3 पिंच, ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी होता है, उसको आप जरूर याद रखिए। और प्याज हम जो पानी डालने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, बोले तो एक बार में हमें इकट्ठा पानी नहीं डालना है, और साथ साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसका अच्छा सा गाढ़ा बैटर बना लिया हमने। और अगर आप सोचेंगे कि ये ठोस बनेगा तो ठोस नहीं बनेगा, इसके अंदर हमने सोडा डाल रखा है, तो सोडा से ये एकदम से अंदर से सॉफ्ट होगा और ऊपर से क्रंची होगा, और इतना ही हमें इसे गाढ़ा रखना है। अगर हमने ज़्यादा इससे पतला रखा तो हमारे जितने भी पकौड़े हैं वो सब जगह ऐसे फैल जाएंगे। तो हमें पकौड़े वाला शेप भी चाहिए, और आप जानते हैं कि मैं हर एक रेसिपी में चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ पकौड़े बनाते समय, बोले तो पकौड़े डालते समय हाथ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और हमने इसके अंदर जो पानी डाला है वो हमने मुश्किल से 50 ml ही पानी डाला है, पूरा ग्लास पानी नहीं डाला, बोले तो 50 ml पानी डाला है, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी कंटेंट होता है, और नमक लगते ही वो पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। अब इसको हम रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही, जैसे सारे मसाले प्याज और बेसन के साथ अच्छे से कंबाइंड हो जाए। फिर 5-10 मिनट के बाद हम इसको एक एक करके गैस पर डालेंगे। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सारे मसालों में अच्छे से ये लिपट चुका है, हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है, और जितना पानी इसने छोड़ना था प्याज ने वो ऑलरेडी वो छोड़ चुकी है। तो चलिए अब हम गैस पे चलते हैं और एक एक करके इसके पकौड़े निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई के अंदर हम ऑयल इतना डाल देंगे जैसे हमारे सारे पकौड़े अच्छे से इसके अंदर डूब सके और अच्छे से सिक सके। अब इसमें हम एक एक करके पकौड़े डाल देते हैं। आप चाहे तो अपना हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ का, क्योंकि मेरे को कैमरा संभालना होता है तो इसलिए मैं चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ। और ये वाले जो पकौड़े होते हैं वो थोड़े अनइवन होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्याज होती है वो अनइवन कटी होती है, रफली चॉप होती है, तो उसका शेप तो आना नहीं है। जैसे पकौड़ी वाला जो शेप है आप वो निकाल के इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब हमने एक एक करके सारे पकौड़े इसके अंदर डाल दिए, उसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे।
और हम क्या करेंगे, बीच बीच में हमारे जो पकौड़े हैं जो नीचे से पहले सिक जाएंगे, इसको हम चक्कू की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको टॉस कर दीजिए, क्योंकि ये नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे फटाफट। और गैस जो है हमारी हाई फ्लेम पे है और ये हाई फ्लेम पे ही पकते हैं, क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे पकाया है ना, तो ये तेल पी जाएंगे और अंदर तक अच्छे से सिकेंगे नहीं। ये ऊपर से क्रंची होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और चाय के साथ तो इसके कहने ही क्या। और इस तरह से आप पकाएंगे, अगर आप इस तरह से इन पकौड़ों को सेकेंगे तो आपको डबल फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और खाने में भी मज़ा आ जाएगा, और ज़्यादा तेल भी नहीं पिएंगे, क्योंकि डबल फ्राई करने के चक्कर में ये तेल भी पी जाते हैं। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा, मैं पूरे चैनल पे मेरे जितने भी पकौड़ों की या फिर किसी भी चीज़ की रेसिपी बनी है जिसमें हमें फ्राई करना होता है, उसमें मैं कभी भी डबल फ्राई नहीं करता, क्योंकि उसमें ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। अब हमारे जो पकौड़े हैं वो सिकने लगे हैं, आप देख सकते हैं एकदम मस्त गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है इनके अंदर, और इनके बुलबुले भी कम होने लगे हैं। तो चलिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये पकौड़े बनेंगे आपके घर में और खुशबू जाएगी सारे पड़ोसियों के घर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनते हैं। अब हमारा पहला लॉट निकल चुका है, हम दूसरा लॉट भी डाल देते हैं इसके अंदर। बहुत आसान है इसको बनाना, आपने देखा फटाफट तरीके से बन जाते हैं। अगर आप चम्मच की मदद से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आसान होते हैं ये, ना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत है। बोले तो बेसन चिपक जाता है ना हाथ में, तो थोड़ा इरिटेशन तो होता ही है। कोई भी आया तो आप फटाफट से बारीक प्याज काटी, बेसन मिलाया, चाट मसाला डाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सूखा हरा धनिया पाउडर, सोडा और नमक मिला के इस तरह से आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो आपके घर में मेहमान भी खुश, अगर बरसातों का मौसम है तो आपके हस्बैंड भी खुश, क्योंकि इतने लाजवाब जो बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में एकदम आसान। अब देखिए हमारा दूसरा लॉट भी बनकर तैयार हो चुका है, एकदम मस्त लाल हो गए हैं। इसको भी हम एक स्टील की प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार तरीके से हमारे, ये देखिए आवाज़ से ही मालूम पड़ रहा होगा, एकदम क्रंची है ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट, खाने में ज़बरदस्त। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है इसमें धनिया, आपको मैं पास ले जाके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मस्त क्रंची प्याज के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं, आपको मैं इसकी क्रंचीनेस ऊपर से दिखा देता हूँ कैसी है। तो लगे हाथ हम हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेते हैं इसमें। मिर्ची जो होती है वो ऊपर से चटकारे मारती तेल में जाती, तो अब इसको हल्का सा ढक के इसको फ्राई कर लीजिए, और हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है कि जैसे उसकी ऊपर की जो परत होती है हल्की सी वाइट कलर में आ जाए बस। और इसको हमने तेल में डालने से पहले इसको बीच में से स्प्लिट कर लिया था हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बन के तैयार है। इसको हमने एकदम नॉर्थ स्टाइल में बनाया और इसको बनाना एकदम आसान है, आपने देखा झटपट तरीके से ये बन जाते हैं और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में। आप इसको एंजॉय कीजिए गरम गरम चाय के साथ, सर्दियों के मौसम हो या फिर बरसातों का मौसम हो, या फिर आपको कभी भी प्याज के पकौड़े खाने का मन हो तब आप इसको झटपट तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसको आप लाइक किए बिना ना जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना। और इसको हमने डेकोरेट किया हरी मिर्च के साथ, आप हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक लगा के खाएंगे तो कहने ही क्या, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।